जेंगो के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ चलिए तो स्टार्ट करेंगे। तो जेंगो बेसिकली क्या है? जेंगो इज अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेमवर्क होता क्या है। तो यहां पर कुछ वर्ड्स यूज हुए, एक वेब हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ, एक फ्रेमवर्क हुआ। तो चलिए वन बाय वन तीनों को यहां पर समझते हैं हम लोग। ओके, तो पहले बात करेंगे वेब की। तो वेब बेसिकली क्या है? बेसिकली वेब इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो एक साथ कनेक्ट हो रखे हैं थ्रू इंटरनेट, इथरनेट, ब्ला ब्ला। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब कुछ नहीं है, वेब आपके कंप्यूटर का कनेक्शन है, कलेक्शन है, जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाया इंटरनेट। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? तो वेब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना क्या कहलाता है? वेब डेवलपमेंट। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? तो वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होंगी जो आपके इंटरनेट पे, जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं और रन करती हैं सर्वर एप्लीकेशन, सर्वर कंप्यूटर पे। चलिए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? तो वेब एप्लीकेशन बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सर्वर कंप्यूटर पे रन कर रही है। दिस इज आवर सर्वर कंप्यूटर। तो यहां पर हमारी एप्लीकेशन होस्ट है, एप्लीकेशन यहां पर है सर्वर कंप्यूटर पर, और बाकी क्लाइंट है। क्लाइंट कैन बी अ डेस्कटॉप, कैन बी अ लैपटॉप, कैन बी अ मोबाइल ऐप, मोबाइल। ये सब क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट करेंगे इससे, किससे? हाँ जी, सर्वर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रेस्पॉन्स मिलेगा। इसका फायदा क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि हमें वेब एप्लीकेशन बनाने की जरूरत क्या है। तो बाय डिफॉल्ट अभी तक जो हम एप्लीकेशन बनाते आए हैं पाइथन में, जो हमने कोर पाइथन सीखा, उसमें जो हमने एप्लीकेशन बनाई, उसमें किस टाइप की एप्लीकेशन बनाई? स्टैंड अलोन। वेब एप्लीकेशन और स्टैंड अलोन में क्या डिफरेंस है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जो कहां पर रन करेगी? जिस कंप्यूटर पे आपने उसे डेवलप किया है, जिस पे इंस्टॉल किया है, सिर्फ उसी कंप्यूटर पे वो रन करेगी। ये तब तो ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आज भी यूज होती है जब आपका डोमेन क्या है? काफी छोटा है। जब आपका डोमेन छोटा होगा, मतलब मान लीजिए आपकी एक शॉप है, उसी को मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, उसी का डेटा मेंटेन करना है, तो किससे काम चल जाएगा? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन से, है ना। बट अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे स्टोर हो गए, तो आपको हर एक स्टोर पे अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और जो उसका ओनर है उसे हर एक स्टोर पर जाकर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और कल को सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा तो हर कंप्यूटर पे जाकर अपडेट भी करना पड़ेगा, एंड हियर कम्स द प्रॉब्लम। तो हमें चाहिए कैसी एप्लीकेशन? क्या चाहिए? एक ऐसी एप्लीकेशन हमें यहां पर चाहिए जो हम एक कंप्यूटर पे होस्ट कर सकें और कहीं से भी एक्सेस कर सके, और इसी को क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन। दैट इज द नीड ऑफ वेब एप्लीकेशन। हाँ, जैसे YouTube, Facebook, Gmail, Amazon, Hotstar, Netflix, है ना, ये सब क्या हैं? वेब एप्लीकेशन के एग्जांपल हैं। इसे आप, बट इसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, और आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट कर रहा है इसे बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट एप्लीकेशन। तो वो ब्राउजर कौन है? ब्राउजर वो क्लाइंट एप्लीकेशन ही है जो रिक्वेस्ट कर रहा है। ब्राउजर के थ्रू आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर कंप्यूटर पे जाती है और वो अपना रिस्पांस लेके आता है। इसी को क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो वेब एप्लीकेशन आर एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। तो इस तरह की अगर मुझे क्या करनी है? एप्लीकेशन बनानी है। किसको यूज करते हो? पाइथन को। तो यहां पर काम आएगा जेंगो। तो जेंगो वो फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। तो वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट किसको बोला जा रहा है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशन बनाने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? वेब डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या था? ये हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसकी डेफिनेशन को? जेंगो की डेफिनेशन को। तो जेंगो को क्या बोला था हमने? वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क।
तो हमें समझना पड़ेगा कि ये वेब डेवलपमेंट क्या है और फ्रेमवर्क क्या है। तो वेब डेवलपमेंट हम समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क क्या होता है? देखिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के दो तरीके हैं। वेब एप्लीकेशन को भी छोड़िए, अगर तो आपको कोई टास्क दिया जाए, लेट से आपको उससे बोला जाए यू आर अ कारपेंटर और आपको एक टेबल बनानी है, तो देर आर टू वेज टू डू इट। एक स्क्रैच वाला तरीका हो गया। स्क्रैच तरीका, आप जंगल जाएं, लकड़ी काटें, फिर उसे एक उस शेप में लेके आए कि उससे टेबल बन सके, फिर टेबल बनाए। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है इसको जल्दी करने के लिए, कि आप मार्केट जाओ, सीधे प्लाई खरीदिए, बोर्ड खरीदिए और बस उसको टेबल की शेप में लाना, तो आपको जंगल नहीं जाना पड़ा। तो ऐसे ही वेब एप्लीकेशन बनाने के भी दो तरीके हैं। फ्रॉम स्क्रैच, पहला तरीका क्या है कि आप स्क्रैच से वेब एप्लीकेशन बनाएं। क्या करें? स्क्रैच से वेब एप्लीकेशन बनाएंगे आप। स्क्रैच से मतलब फिर उस केस में क्या होगा, मतलब आप सिर्फ लाइब्रेरी यूज करेंगे। लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड, जो कोड पहले से लिखा जा चुका है उसको यूज कर रहे हैं। इनपुट के लिए करते हैं, इनपुट आउटपुट की भी तो लाइब्रेरी पाइथन में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पर लाइब्रेरी से प्रोजेक्ट बनाने में हमें क्या होता है कि हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट का। कौन कौन से फोल्डर बनेंगे ये भी हम डिसाइड करेंगे, कहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, कहाँ पर एंड होगी, फ्लो भी हम डिसाइड करेंगे। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो क्या हुआ, जब बहुत सारी वेब एप्लीकेशन बना ली गई तो ये समझा गया कि इन सारी वेब एप्लीकेशन को बनाने में क्या कॉमन स्टेप लग रहे हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स कॉमन हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो हो ही रहे हैं, इतना तो होना ही होना है। तो उन स्टेप्स को बार बार ना करना पड़े। तो जब भी कोई वेब प्रोजेक्ट बने, इतने फोल्डर बनने हैं, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगा जाएगा, तो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हो गया और प्री डिफाइंड फ्लो हो गया। तो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा, प्लस प्री डिफाइंड फ्लो, एंड लाइब्रेरी भी होगी और लाइब्रेरी भी होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपका टाइम कैसे सेव होगा, आपको फिक्स चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। तो इंडस्ट्री में किसको यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में फ्रेमवर्क को ही यूज किया जाता है। हर टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेमवर्क होते हैं बच्चों, हर टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेमवर्क होंगे। तो पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है जेंगो, जावा का है जैसे आपका स्प्रिंग बूट, अगर आपको जावा टेक्नोलॉजी को यूज करके वेब एप्लीकेशन बनानी है तो स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है। तो ऐसे डॉट नेट में है ASP.NET, डॉट नेट भी एक टेक्नोलॉजी है, तो उसका वेब फ्रेमवर्क है ASP.NET, बट हमें यहाँ किससे मतलब है, जेंगो से। वैसे जेंगो के अलावा भी पाइथन के वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हैं, जैसे बोटल, पिरामिड, बट इन सब में सबसे ज्यादा कौन पॉपुलर है, जेंगो। हाँ जी, तो यहां तक हमने बातें समझ ली हैं। क्या समझ लिया है कि ये एक वेब फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, है ना, या इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या टूल चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पाइथन। तो पाइथन तो हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, कहां से, python.org से, पाइथन आईडीएली ऐप, क्योंकि लैंग्वेज हम यहाँ पे पाइथन यूज करेंगे। अब हमें चाहिए जेंगो की लाइब्रेरी, जैसे मैंने बताया कि वेब डेवलपमेंट क्या, ये फ्रेमवर्क क्या होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड फ्लो, प्लस लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी कैसे आएगी हमारे पास, तो यहां पर हम जानेंगे कमांड टू डाउनलोड जेंगो। व्हाट इज द कमांड टू डाउनलोड जेंगो? तो आपकी कमांड लगेगी pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस जेंगो। और यहां पर pip क्या है, pip बेसिकली पाइथन का प्री डिफाइंड या यू कैन से बिल्ट इन पैकेज है, जिसका काम है नए मॉड्यूल पैकेज को डाउनलोड इंस्टॉल करना। इसके बारे में मैंने आपको कोर पाइथन में भी बताया था। तो pip इज इटसेल्फ अ पैकेज जो कहां यूज हो रहा है, यूज टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल न्यू पैकेजेस। गेटिंग एवरीबडी? इसकी मदद से हम नए पैकेजेस को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। जेंगो भी पैकेज ही है, बिकॉज पाइथन में लाइब्रेरी किसके थ्रू बनती है, मॉड्यूल पैकेजेस के थ्रू। तो जब बहुत सारे मॉड्यूल हो जाते हैं तो उनको एक साथ रखने के लिए क्या बनता है, पैकेज। तो एक्चुअली जेंगो यहां पर क्या है, पैकेज नेम। और ये कमांड कहां टाइप करेंगे हम, हां जी, दिस कमांड विल टाइप ऑन सीएमडी। तो जब आप सीएमडी पे ये कमांड टाइप करेंगे तो आपका जेंगो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा।
हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इतना हमने समझ लिया है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है। तो जैसा मैंने बताया कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जो कहाँ रन कर पाएगा, सिर्फ सिंगल कंप्यूटर पे। तो इसके एग्जांपल हैं, जब आप फ्रीक्वेंटली जो आपके ओएस में होता ही है विंडोज में, कैलकुलेटर, नोटपैड, तो ये उसी कंप्यूटर में चल रहा है जिसमें क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। गेटिंग? यहीं पर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन किसको बोल रहे हैं, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कहाँ रन करेगी, सर्वर पर, और रेस्पॉन्ड करेगी क्लाइंट रिक्वेस्ट को, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। तो लेट मी शो यू कैसे करते हैं हम इसको, कि ये हमारा सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर। यहां पे इस कंप्यूटर पे हम अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, यहां पर अपनी एप्लीकेशन होस्ट होगी। तो आपका YouTube हो गया, Amazon हो गया, वो ऐसे ही सर्वर पे होस्ट की हुई है, वो एप्लीकेशन वहां पर रखी गई है। और ये हम लोग क्लाइंट होते हैं, दैट कैन बी अ लैपटॉप, इट कैन बी अ डेस्कटॉप, इट कैन बी अ मोबाइल, और ये इनको रिक्वेस्ट करते हैं वाया इंटरनेट। तो ये इनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये इसको रेस्पॉन्स भेजेगा, फिर इसने रिक्वेस्ट की इसको, इसको रेस्पॉन्स भेज रहा है, इसने रिक्वेस्ट की इसको रेस्पॉन्स भेज रहा है। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, इसमें हमें फायदा ये हो रहा है बच्चों कि हम एप्लीकेशन को एक जगह इंस्टॉल करेंगे, एक जगह डालेंगे और उसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे रिलायंस की, रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस के बहुत सारे स्टोर हैं, तो हर स्टोर पर डेटा होगा। तो उन्होंने कैसे बना रखी, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बना रखी है। तो वो जो बाकी एक क्लाइंट एप्लीकेशन भी उनकी, क्लाइंट एप्लीकेशन क्या है, जो इस स्टोर पे डेटा एंट्री कर रहे हैं, पर वो डेटा उस कंप्यूटर में नहीं स्टोर हो रहा है, वो सर्वर एप्लीकेशन में जाके स्टोर हो रहा है, जिसे अंबानी परिवार कहीं से भी देख सकता है, उन्हें उन स्टोर पे आने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई कि वेब एप्लीकेशन बनाने की जरूरत क्या है, तो वेब एप्लीकेशन बनाने की जरूरत तो है, ये बात हमें समझ में आ जा रही है। क्लियर एवरीबडी? आपका क्लाइंट, ये तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो वेब एप्लीकेशन इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करती है। लेट मी शो, अब इसमें क्या क्या यूज होता है। तो वेब ब्राउजर आपने सुना होगा, तो वेब ब्राउजर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल हो रहा है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। फिर एक जरूरत पड़ती है, जिसका एग्जाम्पल हो गया गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, देन नेक्स्ट इज वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होगा सर्वर मशीन पर। एक्चुअल में तो जो भी कंप्यूटर पे काम हो रहा है वो किससे हो रहा है, सॉफ्टवेयर से। तो क्लाइंट एप्लीकेशन गूगल क्रोम भी एक सॉफ्टवेयर है जो रिक्वेस्ट करेगा, और वेब सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है जो रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स देगा। एग्जाम्पल इसके अपाचे वेब सर्वर, ये हो गया जावा का आई सर्वर, ये हो गया किसका ASP.NET, और ये एनजिक्स अपना जेंगो का वेब सर्वर है। हर टेक्नोलॉजी का अपना वेब सर्वर होता है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये नहीं यही है सिर्फ, पर आप मैनी वेब सर्वर नाउडेज, आज आप उस एरा में हैं जहां पे हर चीज के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। पाइथन में बनी हुई वेब एप्लीकेशन क्या है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब में काफी पाइथन यूज हुआ है, इंस्टाग्राम, अच्छा नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम दो ऐसी वेब एप्लीकेशन है जो मेजरली पाइथन को यूज करके, जेंगो को यूज करके बनाई गई है। बाकी जावा भी बहुत यूज होता है और .NET भी होता है, बाकी PHP भी है, PHP इज ऑल्सो वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। बस PHP में ये है कि PHP इतना पॉपुलरली नहीं कि वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन के लिए, जबकि पाइथन और जावा में क्या है कि हम बहुत सारे डोमेन में यूज कर सकते हैं। जैसे आप पाइथन को वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, डेटा साइंस ML की तरफ भी यूज कर सकते हो, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में, इसलिए पाइथन क्या बन चुकी है, जनरल पर्पज लैंग्वेज। दैट्स व्हाई पाइथन PHP की तरह ही आसान है, बट पाइथन इज मोर पॉपुलर देन PHP। तो क्या समझ में आया हम लोगों को, तो वेब एप्लीकेशन क्या हुई, वेब एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपका एग्जीक्यूट करेगी सर्वर मशीन पर, ठीक है, जिस जो कहाँ इंस्टॉल होगी सर्वर मशीन पर, और जिसे आप एक्सेस करोगे क्लाइंट मशीन से वाया इंटरनेट, और क्लाइंट मशीन पे जो एप्लीकेशन जिसे एक्सेस करोगे दैट इज वेब ब्राउजर, डेस्कटॉप लैपटॉप पे कर रहे हो तो, और मोबाइल पे कर रहे हो तो मोबाइल ऐप होगी उसके लिए एक्सेस करने के लिए। मोबाइल ऐप भी क्या है कि सर मैं मोबाइल में ब्राउजर ओपन करूं, उससे रिक्वेस्ट करूं, उसी का शॉर्टकट क्या बना दिया गया, मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप भी एक क्लाइंट ऐप ही है जिसे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, किस पे, सर्वर मशीन पर। आगे बढ़ेंगे, तो वेब डेवलपमेंट किसको बोल रहे हैं, वेब डेवलपमेंट यहां पर बोला जा रहा है, डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशन जो कहां पे रन करेगा, वेब सर्वर पे, और किसके थ्रू एक्सेस होगा, वेब ब्राउजर के, इंटरनेट के। तो वेब एप्लीकेशन एक्चुअल में वेब पेजेस का कलेक्शन है, और वेब पेजेस भी हमारे दो टाइप के होते हैं बच्चों,
एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनेमिक वेब पेज। चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो आज हम सीधे प्रोग्रामिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम वो छोटी छोटी टर्म्स जान रहे हैं जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती हैं। प्रोग्रामिंग तो हम करेंगे ही, आखिर तक जंगों में हम प्रोग्रामिंग ही करेंगे, बट उससे पहले क्या जान लेना जरूरी है कि सर जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसका यूज कहाँ है। तो जब कोई भी चीज स्टार्ट करो तो कहाँ से स्टार्ट करो, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करो। तो स्टैटिक वेब पेज किसको बोल रहे हैं, स्टैटिक का मतलब जो फिक्स है। तो ऐसा वेब पेज जिसको जितनी बार रन कराओगे उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, है ना। तो उसमें सर्वर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सर्वर के पास वो फाइल दी गई, जैसी दी गई उसे एग्जीक्यूट करके उसने रेस्पॉन्स दे दिया। तो ये बनता है HTML CSS से। अगर मेरा पूरा पेज प्योर HTML CSS में बना हुआ है ना, अगर मेरा सारा पेज किस में है, HTML CSS में, तो उसका कंटेंट फिक्स है, उसमें सर्वर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिंपल ब्राउजर को देगा, ब्राउजर उसे कन्वर्ट करके देता है। तो ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है जो HTML CSS को पढ़ के पेज बना कर देता है। तो जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लैंग्वेज समझता है, ऐसे ब्राउजर क्या समझता है, HTML CSS। इसलिए कोई भी ब्राउजर बनेगा वो तभी कहलाएगा ब्राउजर जब उसकी कैपेबिलिटी होगी HTML CSS को पढ़ के वेब पेज में कन्वर्ट करके देना। इसको रेंडरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेंडरिंग। तो डायनेमिक वेब पेज कब होगा, वो जब उसमें HTML CSS के अलावा सर्वर साइड कोड है जिसको पहले सर्वर एग्जीक्यूट करेगा। अब वो कोड हो सकता है कि फलाना डेटाबेस से जिस प्रोडक्ट का नाम डाला है उस डेटाबेस में जाओ, उस प्रोडक्ट की डिटेल ढूंढो और ढूंढ के फेच करके लेके आओ, ढूंढ के फेच करके लेके आओ। तो ये काम कौन कर रहा है, सर्वर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे आप जब आपका रिजल्ट आता है और आप ऑनलाइन अपने यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने जाते हैं, तो उसमें पेज एक ही है और उसमें कंटेंट सबका अलग आ रहा है। अगर आपका रोल नंबर डाला तो फर्स्ट नेम के आगे आपका नाम आएगा, लास्ट नेम के आगे आपका नाम आएगा, आपके मार्क्स आएंगे। वहीं दूसरा रोल नंबर डाला जाए तो हेडिंग वही रहेंगी बट नेम की वैल्यू और मार्क्स की वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो उन्होंने जितने, अब इसके दो तरीके थे, देयर वाज टू वेज टू डू दिस, कि सर जितने स्टूडेंट हैं उस कॉलेज के उतने वेब पेज बनाओ, है ना, उतने वेब पेज बनाओ जिसमें हेडर सेम रहेगा बस वैल्यूज चेंज होंगी, और कल को स्टूडेंट बढ़ेंगे फिर उतने वेब पेज और बनाइए। तो इसमें आएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि सर ऐसा कुछ कोड लिखो जिसमें वो रन टाइम पर पेज का कंटेंट तैयार करे ऑन बिहाफ ऑफ द रोल नंबर। वो डेटा कहाँ है, डेटाबेस के अंदर स्टोर है, रोल नंबर से उसी का डेटा लाया उस पेज पे, उसी का डेटा शो करे। तो हेयर वी नीड अ प्रोग्राम। तो सर्वर भी तो एक प्रोग्राम ही है जो रन टाइम पे कंटेंट को जनरेट कर रहा है। ऐसे पेज को बोलते हैं डायनेमिक वेब पेज। और ऐसे वेब, तो स्टैटिक वेब एप्लीकेशन क्या होगी, स्टैटिक वेब पेज के कलेक्शन को बोलेंगे स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, और डायनेमिक वेब पेज के कलेक्शन को डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। तो जेंगो क्या है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे सर्वर आ गया। किसका, जेंगो। जेंगो भी तो एक वेब सर्वर है ना, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग रन टाइम पर कंटेंट को जनरेट करे। तो हम यहाँ पे डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। स्टैटिक कहाँ से बनती है, HTML CSS से। तो इसके लिए हमें HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम सीखते हैं वेब डिजाइनिंग में। तो जेंगो पढ़ने के लिए दो चीज़ आपको आनी चाहिए पहले से, क्या, पहली प्रीरिक्विजिट पाइथन, दूसरा वेब डिजाइनिंग में HTML CSS और बूटस्ट्रैप। तो इनको मैं यूज़ करूँगा, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे कैसे होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप पढ़ने के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे HTML CSS को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक कोर कॉन्सेप्ट है। पाइथन भी एक कोर कॉन्सेप्ट है, उसे आप इस कैसे पढ़ सकते हैं उसके लिए कोई नॉलेज नहीं, बट जेंगो के लिए प्री रिक्वायरिटी है दो, पाइथन एंड वेब डिजाइनिंग। तो मैं मान के चलूंगा कि आपको ये आती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क की। थोड़ा सा बताया था मैंने आपको भी, तो लाइब्रेरी जैसे मैं बता चुका हूं कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड या ऑलरेडी रिटन कोड। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे आपने पढ़ा भी है, टिकिंटर GUI, Python GUI Library, NumPy, Data Science की, अगर आपको Python में Data Science करना है तो उसमें NumPy Library होती है, jQuery JavaScript की Library है। तो ये कोड पहले से लिख के रख दिया गया है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड इज कॉल्ड लाइब्रेरी। जबकि फ्रेमवर्क में क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी, प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर एंड प्री डिसाइडेड फ्लो। यहाँ पर आपको सिर्फ लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर लाइब्रेरी के साथ साथ आपको प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर भी मिलेगा, मतलब जो जो फोल्डर बनने, हर प्रोजेक्ट में जरूरी हैं जो जो फोल्डर बनने हैं वो फोल्डर भी बने हुए होंगे, प्लस कहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, कहाँ पर एंड होगी, ये भी पहले से डिसाइड होगा। तो
तो हमारा कॉमन टास्क बच जाएगा, हमें स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द मेन मोटो। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेमवर्क का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जेंगो, स्प्रिंग, एंगुलर जेएस। जेंगो किसका फ्रेमवर्क है? पाइथन का वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग हो गया जावा का, और एंगुलर जेएस किसका है? जावा स्क्रिप्ट का। तो हमें यहाँ पे मतलब है किससे? जेंगो से। तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि जेंगो है क्या। तो अगर हम समराइज करें तो जेंगो इज नथिंग मोर देन, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ टेक्नोलॉजी यूजिंग विच वी कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन इन रैपिड मोड, थोड़ा जल्दी करके बना सकते हैं क्योंकि हमें स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। प्रोग्रामेटिकली बात करें तो प्रोग्रामेटिकली जेंगो इज अ लाइब्रेरी, इज ऑल्सो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी है इसमें। तो इट इज अ पैकेज बेसिकली, इट इज अ पैकेज जिसके अंदर वो सारा कोड लिखा हुआ है जो हमें एक वेब एप्लीकेशन को बनाने में जो हर बार लगेगा ही लगेगा, जो प्री डिसाइड इतना तो होना ही है। और प्लस हम क्या कोड लिखेंगे, हम उसको यूज करने का कोड लिखेंगे। हमेशा से प्रोग्रामिंग दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज़ों का? एक तो हमें कुछ बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं पहले से की हुई प्रोग्रामिंग, प्लस हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। इवन पाइथन में भी हमने यही तो किया था, इनपुट कैसे लें, मोड स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करें, इसकी प्रोग्रामिंग हम नहीं करते थे। ये प्रोग्रामिंग पहले ही की जा चुकी होती थी, हम तो बस क्या कर रहे थे, उसको यूज़ करने का कोड लिखते थे। बट अगर कोई चीज़ बनी बनाई है तो उसे यूज़ करने में भी लॉजिक लगता है, और आपने देखा ही है। तो ऐसे ही वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, बट अंतर क्या है कि वो जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो हमारे ओएस पे रन करने वाला कोड था, ये आपका ओएस पे ना रन करके सर्वर कंप्यूटर रन करेगा और आपको वेब पेज की फॉर्म में बनाकर, वेब पेज बनाकर देगा। और जिस वेब पेज को बनाने में सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लग जाए दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, आज बस मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो कल मैं आपको क्या बताऊंगा, कल हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल जेंगो ऑन टू योर मशीन, और कैसे इसमें हमें एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर मिलता है कि हम कोई जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से फोल्डर बने बनाए मिल रहे हैं, और कैसे उस प्रोजेक्ट को रन कराएं। तो कल से हम जेंगो में और आगे बढ़ेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। आज उस मैंने जेंगो को इंट्रोड्यूस किया आप लोगों को, आई होप सबको समझ में आया कि व्हाट इज जेंगो, वेयर वी कैन यूज इट। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।